واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ حج کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان دو آیتوں کے اندر قربانی کا عمل اور جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے اوصاف کیا ہیں یہ بیان کیے ہیں، یعنی قربانی کرنے کے عمل سے انسان کے اندر کیا تبدیلی آنی چاہیے، اس کو ایمان و عمل کے لحاظ سے کیسا ہونا چاہیے اور اس کے اندر کون سی خوبیاں جو ہیں وہ نمایاں ہونی چاہیے، یہ ہمارے رب نے پروردگار نے ان آیات کے اندر بیان کیا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ یہ جو ایام ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اس کے ذکر کے ایام ہیں، اور ہماری جو اکثریت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں نعمتیں ہونے کے باوجود بے سکونی ہے، لڑائیاں ہیں، عدم برداشت ہے، اس کا سب سے جو بنیادی سبب ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی یاد کے اندر غفلت ہے۔ جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی یاد نہ ہو اس گھر کے اندر شیطانوں کے پکے بسیرے اور ڈیرے ہوتے ہیں، اور وہ ہر چیز کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، کھانا کھانے کے اندر، گھروں میں خیر و برکت نہیں ہے، پھر کھانا کھانے کے اندر بھی شامل ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات میں بھی شامل ہوتے ہیں، اور ایک چھت کے تھلے رہنے کے باوجود میاں بیوی سے دور ہے، بیوی میاں سے دور ہے، اولاد ماں باپ سے دور ہے، ماں باپ اولاد سے دور ہے، ہر آدمی ایک الگ کونے اور زاویے میں بیٹھا ہے۔ گھرانہ جو ہے وہ اس کو تو نہیں کہتے،
घराना जो है वो इकट्ठे बैठकर खाने का, खुशियां बांटने का, दुख दर्द उठाने का, आपस में गुफ्तगू सुनीत का नाम है। और ये सारी खूबियां जो है शैतान हमारे घरानों से उचक कर ले जाता है। और इसका बुनियादी जो सबब है कि हमारे घरों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की याद नहीं। हजरात, आप आज से 25-30 साल पहले अपने घरों के माहौल का जायजा लें तो बड़ी तख्ती वाले कुरान मजीद हुआ करते थे, लंबी लंबी तस्बीहात, दानों वाली जो तस्बीहात हैं वो हुआ करती थी। और हमारी दादियां और हमारे दादे और हमारी माएं और हमारे बाप जो हैं वो किसी न किसी सूरत में अल्लाह तबारक व ताला की याद के अंदर मसरूफ रहते थे। और आज हालात आप सबके सामने हैं, तो ये जो दिन है इन दिनों के जरिया आप अपने आप को आदत डालें कि आप अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र जो है वो अपने घर में करें। ये बात याद रखिए, अगर आप अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र के अंदर कोताही बरतेंगे तो फितने जो हैं वो एक के बाद एक आपके घर के अंदर आते रहेंगे। तो ये जो अय्याम है, साल के दिनों के अय्याम, उनके मुकाबला में इनके अंदर अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करना इसका हुक्म भी है और हमारे प्यारे नबी की सुन्नत भी है। मैंने गुज़िश्ता जुमा कहा था कि तकबीरात दो तरह की है, एक मुतलक कि आप इस अशरे के अंदर अल्लाह ताला की किब्रियाई जो है वो बयान करते रहे। अल्लाह तबारक व ताला ने क्या कहा है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। ये बात याद रखें, अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में कहा है, वईजा सअलका इबादी अन्नी, मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करते हैं तो आप इनको जवाब दे दे कि मैं इनके करीब हूं, उजीबु दावत दाईजा दानी, कोई भी पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार का जवाब देता हूं। मुसलमान तो क्या, काफिर भी अल्लाह ताला से दुआ करता है, पुकारता है तो अल्लाह तबारक व ताला काफिर के पुकारने को भी सुनता है और पूरा करता है। एक काफिर भी अल्लाह को कहे ना कि मुझे रिजक दे, औलाद दे, मुझे ये नेमत अता कर, तो अल्लाह तबारक व ताला रहमान है, वो मुस्लिम को भी देता है काफिर को भी देता है। बल्कि शैतान ने कहा था, अनजिरनी इला यौमी युबासून, क़यामत की सुबह तक के लिए मुझे मोहलत दे। शैतान मांगने वाला है, अल्लाह अता करने वाला है। अल्लाह ने कहा, इन्नका मिनल मुनज़रीन, जा मैंने तुझे क़यामत की सुबह तक के लिए मोहलत दे दी। यही वजह है, वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा है वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह तबारक व ताला की याद। ये अमल जो है ये दीगर इबादात की निस्बत बहुत बड़ा है। मुफस्सरीन ने बुनियादी तौर पे इसके दो माने किए हैं। एक माना कि जब इंसान जिक्र करता है ना तो अल्लाह ताला भी उसका जिक्र करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये हदीसे कुदसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा जो है वो इंसानों में मेरा जिक्र करता है, मैं फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूं। वो तनहा बैठकर मेरा जिक्र करता है, मैं फरिश्तों में उसका जिक्र करता हूं कि मेरा बंदा देखो मुझे याद कर रहा है। तो फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मुझे याद रखो, मैं तुम्हें याद रखूंगा। ये बात याद रखें, नेमतों में, आसाइशों में, आसानियों में अगर आप अल्लाह को याद रखेंगे, अल्लाह कभी भी आपको तंगियों के अंदर नहीं बुलाएगा, ना तंगियों के अंदर डालेगा। हजरात, ये जिक्र के अय्याम है, कसरत से अपनी जुबान से अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र करें।
और अल्लाह तबारक व तआला के जो पसंदीदा कलिमात हैं, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, अल्लाह की याद के जितने भी कलिमात हैं उन तमाम कलिमात में से ये चार कलिमात अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है। और जो पांचवा जिक्र है उसके तो क्या ही कहने हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जन्नती खजानों में से खजाना है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तो अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई बयान करना। सामईन मोहतरम, एक है मुतलक तकबीरात के आप 24 घंटे के किसी लम्हे में भी इन दिनों के अंदर अल्लाह को याद करें, और एक है अय्याम तशरीक और यौमुन नहर यानी 10 ज़ुलहज्जा, 11, 12 और 13। इन चार दिनों के अंदर सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन नमाजों के बाद बाआवाज़े बुलंद जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की किब्रियाई को बयान करते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। जो जिक्र करने वाला है वो जिंदा है अल्लाह के यहां, और जो जिक्र नहीं करता वो यूं समझ ले कि अल्लाह के यहां मुर्दा है। और ये जिक्र ही वो इबादत है जो इंसान हर हाल में कर सकता है। तो पहली बात ये इंतहाई अहम है, इसके अंदर गफलत छोड़ दे। मैं नमाजियों की अक्सरियत को देखता हूं कि वो इन अय्याम के अंदर भी जिक्र की तरफ, तस्बीहात की तरफ, अल्लाह ताला की तारीफ की तरफ जो है वो मायल नहीं है। हजरात ये बात याद रखें, अल्लाह ताला की नेमतों, रिजक, औलाद, माल को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जो सबब है वो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र भी है। एक आदमी माल की तरफ भागता है, दौड़ता है, और एक तरफ जो है बंदा वो अल्लाह तबारक व तआला उसके दिमाग के अंदर फिक्र क्या है कि मैं वो कलेमात तलाश करूं जिन कलेमात के साथ मेरा रब मुझ पर राजी हो जाए, मेरे रब की मेरी तरफ तवज्जो हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की तवज्जो अपनी तरफ करना ये बहुत बड़ा तौहीद का नुक्ता है, और मजहबी लोगों की अक्सरियत जो है वो इससे गाफिल है। मैंने अपनी सारी जिंदगी में शायद ही चंद अफराद को देखा है कि जिनका ये शौक हो कि मेरी तवज्जो रब की तरफ है और रब की तवज्जो मेरी तरफ हो जाए। और जब रब की तवज्जो आपकी तरफ हो जाएगी, आपकी तरफ हो जाए, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा दर्जा है कि जब अल्लाह की तवज्जो बंदे की तरफ हो जाए तो कायनात की नेमतें और कायनात की चीजें हैं वो इंसान की तरफ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती है। ये बात याद रखें। तो ये खूबी पैदा करें कि मेरा रब जो है वो मुझे कैसे याद करेगा। शैतान ने हमारे दिलों को जंग उलूद कर दिया है, ये शौक हमारे अंदर से खत्म हो गया। हमारे शौक क्या है? जो कवारे हैं उनका शौक है अच्छा कारोबार और ज्यादा पैसे और खूबसूरत बीवी, और शादी के बाद शौक है हज उमरे का, दुनिया घूमने का, यूरोप जाने का, बड़े घर बनाने का, दोनों की तरफ भागने का। ये हमारी जिंदगी का जो मकसद और शौक है। मेरे भाइयों, कुर्बानी का जो अमल है वो इंसान के अंदर ये तब्दीली पैदा करता है कि भाई तेरा शौक, तेरी रगबत जो है वो तेरा मालिक और तेरा बादशाह है। हमारे यहां मिसाल दी जाती है पंजाबी जुबान के अंदर, उस मिसाल को समझाने के लिए आपको एक वाक्य सुनाता हूं। एक मालिक जो है वो अपनी मुर्गी को मार रहा था, थप्पड़ के साथ उसको मार रहा था। तो किसी शरीफ आदमी भले मांस ने उसे कहा, जानवर को क्यों मार रहा है? उससे कहा, ये बड़ी जो है सरकश है। अच्छा जी, ये सरकशी क्या करती है? कहने लगा, ये खाती तो मेरे घर से है,
लेकिन जब अंडे देने की बारी आती है तो हमसायों के घर जाकर दे आते। इसी बुनियाद पे मिसाल बनी है, अंडे किधरे ते कोड़ कोड़ किधरे। वमिन अन्नास मन यअबुदुल्लाह अला हर्फ, कई लोग नमाजी होते हैं किस लिए, असी मालदार हो जाइए। उन्हां दी नमाजां दा रोजियां दा मकसद मकान ते कोठियां ते रिश्ते ते दुनिया दा माल है, बस इतनी वो दीनदार है। इससे बढ़कर एक आदमी वो है कि जिसकी नजर खजानों पे टिक जाती है, वो फेल है। कामयाब कौन है कि जिसकी नजर जो है वो खजानों के मालिक अल्लाह की तरफ। वो कहता है ये सोने चांदी के जो मालिक है मेरे, उसके साथ मरासम होने चाहिए, अल्लाह के साथ मेरी दोस्ती होनी चाहिए। तो कुर्बानी, इसका मालिक बनना, उस पर अपनी मर्जी चलाना, ये सबक है कि हमारा मालिक अल्लाह है और हमने अपने बदन पर किसकी मर्जी चलानी है, अल्लाह ताला की। ये बात है, ये बात परवरदिगार ने पहले की है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअल्ला मनसका, अल्लाह फरमाते हैं हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी की जगह और कुर्बानी का अमल जो है ये मुकर्रर किया है। किस लिए? फरमाया लियज़कुरुस्मल्लाह, वो अल्लाह का नाम ले, अल्लाह को याद करे, अल्लाह का जिक्र करे। बड़े से बड़ा पत्थर दिल जो बनता है कुर्बानी के अमल के वक्त, जब जानवर का गला कटता है, उसकी गर्दन करती है, बहता हुआ जो खून है ना, वो उसके दिल पर और उसके दिमाग पर और उसके अंदर जो फिरौनियत होती है उसके ऊपर असर करता है। हजरात, बड़ी माजरत के साथ मुझे बात करनी पड़ जाती है। यकीन जानिए, जो गिरी हुई अखलाक से गिरी हुई कौमें होती है ना, उनके अंदर हर बंदा जो वो फिरौन बन जाता है, वो मजहबी हो वो गैर मजहबी हो। हमारी मजमूई तौर पर भी यही हालत है कि हर बंदे के अंदर एक सरकश है, एक फिरौन है। जब तक आप उसको ज़बह नहीं करेंगे वो कभी भी आपको कामयाब जिंदगी बसर नहीं करने देगा। हज़रात, तो अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र, इसके साथ अपनी जिंदगियों को मुदय्यन करें और फिर इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला से मांगे। अल्लाह ताला को याद करना और फिर अल्लाह ताला से मांगना, ये हमारे प्यारे नबी की सुन्नत है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका समैत बिही नफ्सक, ऐ अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे हर उस नाम के वसीले से तुझसे मांगता हूं जो नाम तूने अपनी अपने आप का, अपने नफ्स का, अपनी जात का रखा है। तो अल्लाह को याद करना फिर अल्लाह से मांगना, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी सुन्नत और शेवा और तरीका वतीरा है। हजरात, अब आ जाइए कि जो कुर्बानी करने वाले हैं उनके चार औसाफ अल्लाह ताला ने दीगर खूबियों से अलग बयान किए हैं कि कुर्बानी करने वाले जो हैं उनके अंदर कौन कौन सा वसफ होना चाहिए। ये बात याद रखें, बाज औसाफ होते हैं कि इंसान के अंदर वो वसफ हो तो इंसान के अंदर खैर गालिब होती है। पहला वसफ हया है, जिस बंदे के अंदर भी हया है वो मुस्लिम है, वो काफिर है, वो किसी कौम किसी बरादरी से ताल्लुक रखने वाला बंदा है, फर्द है, उसके ऊपर जो हया, जब तक हया है तब तक खैर गालिब है। इंसान वो अपनी निगाह जो है वो लोगों की बेटियों से फेर ले, वो अपनी निगाह को खूबसूरत चेहरों से फेर ले, उसको बुजुर्गों की हया हो। मैंने बड़े सारे इसफार किए हैं, आपने भी किए होंगे, तो कोई बूढ़ा आदमी जो है वो जब गाड़ी में सवार होता है तो बड़े सारे नौजवान और कुव्वत वाले जो जिस्म है वो उसको देखकर नजरें फेर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है कि जिसके मां बाप ने उसको पाला नहीं होता, उसकी परवरिश और तरबियत की होती है। मैं तालीमी इदारों के साथ वाबस्ता हूं, बड़ी माजरत के साथ
हमारे वालदैन उनकी अक्सरियत बच्चों को सिर्फ पालती है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, उनके अखलाक के साथ कोई गर्ज नहीं है, आदात के साथ कोई गर्ज नहीं है। वो मस्जिद की चीजों को चुराने में, तोड़ने फोड़ने में गुरेज नहीं करते, वालदैन ने तरबियत ही नहीं की। तो एक है औलाद की परवरिश करना, उनको पालना, ये खूबी नहीं है। रिजक तो अल्लाह ने दिया है, वो आपके घर में ना भी होगा उसको रिजक मिलेगा, वो जमीन के किसी भी हिस्से में चला जाए अल्लाह ने उसको रिजक वहां पे पहुंचा देना। असल जो खूबी है वो क्या है कि आप अपनी औलाद की परवरिश करें और साथ उनकी तरबियत करें। अब तरबियत क्या है कि मां बाप ने समझाया होता है कि कोई बड़ा आदमी आ जाए, बड़ा आदमी आ जाए तो आपने उठकर उसको नशिस्त देनी है। क्यों देनी है? मल्लम युवकिर कबीराना वलम यहरम सगीराना। मैं ज़रा इसकी मिसाल देता हूं, अल्लाह ताला की तौफीक है, उसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं है। मैं एक दिन चारपाई पर बैठा हुआ था तो चारपाई सराहने की तरफ जगह खाली थी और मैं जो पैंदियां पाऊं की जगह है उस तरफ बैठा हुआ था। मेरा बेटा आ गया तो मेरा दोस्त कहने लगा बैठ जाओ, वो कुर्सी पर बैठे थे, वो चारपाई पर कहने लगा बैठ जाओ, तो वो कहने लगा नहीं मेरे वालिद साहब जो है वो पाँव की तरफ बैठे हैं, जब ये इस तरफ हो जाएंगे ना सराहने की तरफ फिर मैं बैठ जाऊं। मैंने ये चीज अपने बच्चे को नहीं सिखाई, लेकिन मेरी बीवी ने अपने बच्चे को, मेरे बच्चे को ये चीज सिखाई कि जब बाप पाँव की तरफ बैठा हो तुमने तब तक नहीं बैठना जब तक वो सराहने की तरफ ना चला जाए और तू दूसरी सीमत ना चला जाए। अब यही चीज है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा एक बूढ़ा और एक जवान चलते हुए जा रहे, फरमाने लगे बाप बेटे हो? उन्होंने कहा जी हाँ। रुक जाओ बात सुन लेना, वो रुक गए। फरमाने लगे बेटा तू अपने बाप से आगे चल रहे, सुन नबी अलैहि सलातु वसलाम ने फरमाया जब बाप और बेटा इकट्ठे चल रहे हो तो बेटे के लिए जायज नहीं है कि वो अपने बाप से आगे चले। ये परवरिश है, ये वो परवरिश है जिसके अंदर अखलाक है, ये पालना नहीं है, इसके अंदर अखलाक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मल्लम युवक्किर कबीरना वलम यरहम सगीरना फलैसा मिन्ना, कि जो बंदा जो आदमी बड़े की इज्जत नहीं करता, छोटे पर शफकत नहीं करता, फरमाया वो हमसे नहीं है। अल्लाह की इज्जत में से ये इज्जत है कि इंसान बूढ़ी की इज्जत करे। मिन इजलान अल्लाह ताला, अल्लाह की इज्जत में से एक इज्जत है। अरब के इलाके में मुझे एक बंदे से अल्लाह ताला ने मिलाया, बड़ा उसका मनसब था लेकिन तालीम इतनी ज्यादा नहीं थी, ओहदा बहुत बड़ा था। तो मैंने बड़ा ताजुब किया कि अमूमन ऐसे ओहदों पर डॉक्टर होते हैं, ये निगरान है इदारे का, लेकिन इसकी जो तालीम है वो मुनासब सी है। यानी यूं समझ लें कि जिस इदारे का सरबरा किसी PhD डॉक्टर को होना चाहिए था, उन्होंने बैचलर लेवल के एक बंदे को उसका सरबरा बना दिया। मैंने उसे सवाल किया कि ये किस वजह से है, कहता मेरी मां ने मुझे ये बात सिखाई थी कि जब भी कोई बूढ़ा मिले उसको उठकर जगह देनी है, खुद नहीं बैठे रहना। सारी जिंदगी मैंने ये अमल किया है और जब मेरी अल्लाह ताला ने शरफ की जिंदगी शुरू की तो परवरदिगार ने मुझे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां जो हैं वो अता करना शुरू कर दी। उसके पीछे कौन सा अमल था? बूढ़ों की इज्जत करने का अमल था। तो मेरे भाइयों दोस्तों, कुर्बानी करने वाला जो है उसके अंदर अल्लाह ताला को कौन सी खूबियां पसंद है कि भाई ये खूबियां कुर्बानी करने वालों के अंदर होनी चाहिए। पहली जो खूबी है ये सूरत हज की आयत करीमा है और अल्लाह ताला ने इसको कुर्बानी वाली आयत के साथ मुत्तसिल जोड़कर बयान किया है। शायद आज से पहले आपने ये बातें ना सुनी हो, तवज्जो की जरूरत है कि कुर्बानी करने वाले के अंदर अल्लाह ताला क्या पसंद करता है कि कौन सी खूबी होनी चाहिए। पहली खूबी ये होनी चाहिए कि जब भी अल्लाह का जिक्र किया जाए उसका जो दिल है ना थरथरा जाए,
वो डर जाए अल्लाह से। हमारी कौम के अंदर ये नहीं है। मैंने और आपने कई दफा देखा है कि सऊदी अरब के अंदर एक दफा सफर कर रहे थे तो गाड़ी जो है वो लग गई। अब गाड़ी लग गई, दोनों ड्राइवर जो हैं वो बाहर निकले। हमारी तरह नहीं कि लड़ लड़ के आप लहू लुहान हो जाएं, मर जाएं, फिर पुलिस आती है। वहां पे अगर एक्सीडेंट हो जाए तो दोनों खड़े हो जाएं, पुलिस वाला आएगा तो आप जा सकते हैं, मगर ना आप नहीं जा सकते, या आपस में आप पैचअप कर लें। तो क्या हुआ, एक आदमी जिसका नुकसान हुआ था, उस नुकसान वाले ने गाड़ी मारने वाले को कहा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जिसका नुकसान हुआ है वो दूसरे बंदे को कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मकसद क्या है कि तूने मेरा नुकसान किया है, अल्लाह से डर और नुकसान जो है वो पूरा कर दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह गालिब व कादिर है। इंसान कोई गुनाह करता है, गुनाह उसको खैर से महरूम करता है, और किसी के साथ ज्यादती करता है उसके साथ भी ज्यादती होती है मुकाफाते अमल की सूरत। अच्छा जी, वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब दूसरा बंदा, ओ नुमाना गरीब माड़ा आदमी, उन्हें कहा मैं कितों इन्हें पैसे पढ़ांगा। सुभान अल्लाह, वो बड़ी आजी से उसे कहता है सल्ले अला नबी, के नबी पाक पर दुरूद तो पढ़। अब जब उसने पढ़ा अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद, तो जिसका नुकसान हुआ ना, सुकून में आ गया कि तेरा मेरा रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है, मुहम्मद रसूलुल्लाह का है, हम ईमान इस्लाम के भाई हैं। वो थोड़ी देर खड़ा हुआ तो कहने लगा चल चल जा, मैंने तुझे अल्लाह के लिए माफ कर। ये है الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم, के जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है उनके दिल जो है वो लरज जाते हैं। इतने कई बंदे ने जिन्होंने कारोबार से बिजनेस ही कचहरिया के हलफ चुकना है, 500,000 लै के उन्हें रोज हलफ चुकना है। अल्लाह से डरना चाहिए, तो कुर्बानी करने वाला जो है उसका दिल नरम होना चाहिए। इजा जुकिर अल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, जब तक आपका दिल नरम है तब तक आप पर खैर गालिब है। दूसरी खूबी हमारे अंदर नहीं है मिना इसुल कौम, मौलवी भी फेल है, मजहबी भी फेल है, पहली सबों के नमाजी भी फेल है, आप जो पीछे बैठे हैं फेल है बशमूल मेरे। सीधी बात है साफ, फरमाया वस्साबिरीना इजा असाबहुम, कुर्बानी करने वाले के अंदर अल्लाह फरमाते हैं दूसरी खूबी होनी चाहिए सबर। क्या होना चाहिए? सबर। असी मोढ़ियां दे उत्ते मोटरसाइकिलां चुक के लैणा पार कर जाने हैं, भावें अगे जाके मदारियां वेखिए, हर एक को जल्दी है, हर एक जल्दी की दौड़ में रिश्वत दे रहे हैं। 15 दिन में अगर किसी का मीटर लगना है ना, वो कहते हैं नहीं 10,000 और ले लो तो 15 मिनट बाद ला दो। भाई कौन सी क्यामत आ जानी है? तो ये शैतानी जल्दी जो है ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल उजलत मिन शैतानी, ये जो उजलत ना जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट 3 मिनटी 2 मिनटी एंज लेके आ, हम उंगलियां बचाते हैं और कहते हैं इस तरह लेकर आओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये शैतान की तरफ से है। ये इंसान के अंदर हलाकत, कई एक्सीडेंट होते हैं, बंदे को यकीन होता है मैं बड़ा फुर्तीला तराक हूं, मैंने निकल जाना है, मैं बड़ा तेज ड्राइवर हूं, मैंने गुजर जाना है, और फिर जनाजा ही गुजरता है, बंदा नहीं गुजरता, जनाजा ही गुजरता है। तो ये तेजी से हलाकत पैदा होती है, तेजी से रिश्ते खत्म होते हैं, तेजी से दूरियां पैदा होती हैं। मेरे भाइयों, ये शैतान की तरफ से है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपकी जो तबीयत है उस तबीयत के अंदर हिलम, बुर्दबारी और जो सब्र है, ये मोमिन आदमी के अंदर भी सब्र होना चाहिए। ये कुरान मजीद वस्साबिरीना इज़ा असाबहुम, कोई मुसीबत आ जाए तो क्या करना भाई, सब्र करना। हजरात, यहां पर एक और चीज मैं अर्ज कर देना चाहता हूं,
یہ بے صبری جو ہے یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے نا، یہ احساس کم تری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے کپڑے دیکھنا، جوتے دیکھنا، سواریاں دیکھنا، گھر کے برتن اور سامان کو دیکھنا، ان کے فیشن کو دیکھنا، اور اسی فیشن کے چکر میں انگریز اور کفار جو ہیں اربوں ڈالر جو ہیں مسلمان ملکوں سے لے کر جا رہے ہیں۔ وہ سونا ہے تو میں کریم لا کے سونا بننا ہے، یہ پنجابی دا بیچان دے نے بھائی اگلے دا منہ لال ہے تو اپنا چنڈ کے لال کرنا ہے۔ تو یہ چنڈ کے یعنی تھپڑ مار کر منہ لال کرنے والی جو کیفیت ہے نا، اس کو احساس کمتری کہتے ہیں۔ اور جس بندے کے اندر احساس کمتری ہوگی وہ شیطان کا گدھا ہے۔ جب مرضی 24 گھنٹے میں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ وہ بندے کے اندر ہوں گے نا 24 گھنٹے وہ شیطان کا گدھا ہے، جب مرضی شیطان اس پر سوار ہو جائے۔ ایک شہوت ہے جس کے اندر سیکس کا، زنا، فحاشی، قوم لوط کا گناہ ہے، وہ بھی شیطان کا گدھا ہے، جب مرضی وہ اس پر سوار ہو جائے۔ اور اسی طرح غصے والا، وہ بھی شیطان کا گدھا ہے۔ اور اسی طرح جس کے اندر بڑی جلدی ہے نا، فٹافٹ فٹافٹ فٹافٹ، اور یہ فٹافٹ رشتے کرنے میں بھی فٹافٹ، نہ بہنوں کو بتاتے ہیں، نہ بھائیوں کو بتاتے ہیں، نہ ہمسایوں سے مشورہ کرتے ہیں، جی فٹافٹ رشتہ کر لو، ڈولے پا دیو پاویں جاندے ہی رنڈی ہو، یعنی فٹافٹ سے رشتہ کر دو۔ مشورے سے کرنا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مشورہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہتر چیز کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ وہ آدمی کبھی بھی شرمندہ نہیں ہو سکتا، نادم نہیں ہو سکتا، جو مشورہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے مشورہ کرتا ہے، استخارہ کرتا ہے۔ ما نادما من استشارا واستخارا۔ اب جو تیسری خوبی ہے، فرمایا نمازوں کو قائم کرنے والے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، قربانیاں کریے انہاں تے نمازاں دے نیڑے بھی نہ جانا۔ او بھارے پیارے بھائی، اللہ تبارک و تعالی پسند کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والا پکا نمازی ہو۔ تو نمازوں کے اندر یہ جو کوتاہی ہے اس کو اپنی زندگی میں سے نکال دے، نماز کی لذت اللہ تعالیٰ سے مانگے اور نماز کی پابندی کریں کہ نماز ہم نے پابندی سے پڑھنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی 5 نمازوں کی حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کے بدلے اس کو جنت عطا کر دے گا۔ اور نمازوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو کئی دنیاوی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اشارہ کر دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نماز والے نبی ہیں۔ نماز والے نبی کیوں ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ اسماعیل دنیا میں کیسے آئے ہیں؟ کہ جب سارا سلام اللہ علیہا بادشاہ برائی کے ارادے سے قریب آنے کا اس نے جب چاہا تو انہوں نے نماز شروع کر لی، زمین نے بادشاہ کو پکڑ لیا، توبہ طائب کی، معافی مانگی، چھوڑ دیا، سمجھا یہ جادو کر رہی ہے، منتر شنتر پڑھ کے پھر اس نے برائی کا ارادہ کیا، ماں جی نے پھر نماز شروع کر لی، اللہ اکبر۔ اب نماز پڑھنے سے اللہ نے عزت بچا لی، نماز پڑھنے سے جب دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا اس نے توبہ کر لی، وہ مسلمان ہو گیا، اس نے اپنی بیٹی بطور بیوی کے حضرت ابراہیم کو دی، اور اماں ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نماز کی برکت سے۔ جریج ولی کا واقعہ ہے، مار مار کر لہو لہان کر دیا، جب اس کو چھوڑا تو سب سے پہلے انہوں نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں چرواہا میرا باپ ہے۔ یہ اس زنا سے بھری ہے۔ تو نماز اللہ پسند کرتے ہیں کہ قربانی کرنے والا پکا نمازی ہونا چاہیے۔ اب جو چوتھی خوبی ہے وہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ قربانی کرنے والے کے اندر چوتھی جو خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو رزق دیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق میں سے خرچ کرے۔
अब ये मौका कैसा है, नबी अलैहिस्सलाम के पास कुर्बानियां आती थी, आप कुर्बानियां सहाबा किराम में तकसीम करते थे। सहाबा किराम के अंदर कोशिश क्या होती थी कि सबसे पहले हम जानवर जिबा करें और जानवर जिबा करने के बाद लोगों को गोश्त तकसीम कर दें। नबी अलैहिस्सलाम नमाज के लिए निकले, देखा गोश्त तकसीम हो रहा है, प्लेटा च भांड्या च पा के गोश्त वंडिया जा रहा है, आले नमाज ईद पढ़ी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अल्लाह के बंदे ये क्या किया है, देखिए सहाबी की नीयत क्या है। उसने कहा या रसूल अल्लाह, मैं पसंद करता हूं कि मेरे गरीब हमसाए जो हैं उनमें मैं गोश्त तकसीम करूं, तो नेकी को हासिल करने के लिए सब तो पहला मेरा गोश्त जावे। हमारी कोशिश है फ्रिज विच साडा गोश्त जावे, उनकी कोशिश ये थी कि लोगों में गोश्त जो है वो जाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह के लिए इस पर भी गौर करें। अल्लाह के नबी कुर्बानियां तकसीम करते थे, आप अपनी बहनों को कुर्बानियां तकसीम करें। शबरातां ते पैसे देन दी बजाए लीरा ते ताकियां ते कपड़े बड़ी माजरत के साथ, इसकी बजाए आप ये मसनून चीजें गिफ्ट करें अपनी बहनों को, बेटियों को, हमसायों को, और उलामा जो गरीब है उनको कुर्बानियां जो है वो आप तोहफा के तौर पर दें। और जो लोग गुरबा है उनको भी किनात पसंद होना चाहिए, सदके खिरात का घंटाकार नहीं बनना चाहिए कि सारी दुनिया का सदका मेनू ही आए, मेरे पास ही जमा हो, ये अल्लाह तबारक व तआला को भी पसंद नहीं है। हजरात नबवी मुआशरे की मिसालें हमें दिखाना होगी। घर से कोई चीज अच्छी हमसाये को तोहफा दी है, अच्छी चीज है, हलवा भेज दिया, उसने कहा क्यों ना मैं अपने हमसाये को तोहफा दे दूं, उसने हमसाये को दे दिया, खुद नहीं खाया। उसने कहा क्यों ना मैं अपने हमसाये को तोहफा दे दूं, आज हमसायों के हुकूक आज क्या है, ओए फलाना उन्हें कुर्बानी की थी, ये मालदार है, सानू की लोड़ है कलन दी, अतएमुल कानए वल मोतर, जो गरीब है उसको भी खिलाओ, जो अमीर है उसकी तरफ भी तोहफा भेजो। तो उमरा की तरफ भी तोहफा भेजना चाहिए, गुरबा को भी, पसंद ना पसंद इसमें शामिल नहीं। फलाना बंदा मेरे नाल नहीं बोलता तो मैं नहीं देना, भाई नहीं बोलता तो ये मौका है बोलने का, उसकी तरफ भी गोश्त दो। सिला रहमी करो, सिला रहमी, जो बहने भाई नाराज है यही मौका है। अना पर छुरी रख, खा तेरे साथ ज्यादती हुई है फिर भी पहल कर कुर्बानी का गोश्त जो है इसका तोहफा उनकी तरफ भेज। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।